भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। ऑपरेशन प्रहार के तहत इंदौर पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों को लेकर कार्रवाई कर रही है। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 105.16 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो रतलाम जिले से इंदौर में ब्राउन शुगर की डिलीवरी करने आया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। इंदौर जिले की सभी तहसील जूनी इंदौर, कनाडिया, बिचोली, हप्सी, मलारगंज, खुड़ेल, राव, डॉक्टर अंबेडकर नगर, महू, सांवेर, दयालपुर व हाथोद में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9425046807। इंदौर DCP क्राइम ब्रांच राजेश कुमार त्रिपाठी के आज ने जानकारी देते हुए बताया कि ड्रग्स तस्करी और अवैध नशे को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन पर पूरे प्रदेश स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। जहां अवैध नशे को लेकर इंदौर क्राइम ब्रांच भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा 105.16 ग्राम ब्राउन शुगर की तस्करी करते हुए रतलाम जिले के रहने वाले आरोपी शादाब खान, जिसकी उम्र 27 साल है, उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। वो ब्राउन शुगर कहां से लेकर आया था और कहां पर इसकी डिलीवरी करना थी। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से उसके अन्य नेटवर्क की भी पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच DCP राकेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 105.16 ग्राम ब्राउन शुगर की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 11 लाख रुपए है। भारतीय न्यूज के लिए इंदौर से दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट। ये ड्रग्स तस्करी और अवैध जो नशा है उसके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो निर्देश दिया गया है, पूरे प्रदेश स्तर पर लगातार कार्रवाई जारी है। इस पे इंदौर पुलिस ने एक ब्राउन शुगर की तस्करी करते हुए लगभग 105.16 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ में एक रतलाम तरफ का रहने वाले एक आरोपी है, जिसका नाम शादाब खान है, लगभग 27 साल का युवक है, उसको तस्करी करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया। और इस पर जब गिरफ्तार किया जाकर के अब इस पर हम पूछताछ करेंगे और ये यहाँ पर किसको देने आया था और किसके नेटवर्क में, किसके संबंध में, इस संबंध में उससे पुलिस रिमांड लेकर के उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। सर, ये कितना माल पकड़ा गया है? ये लगभग 105 ग्राम माल है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 11 लाख रुपए है। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।